बेटा मैंने चाय भी बना लिया है, आओ सब्जी ले आयो। हाँ सब्जी ले आए। चलो चलो आ जाओ, चाय पी कर तुम ईटे कट्ठी कर लो, मैं सालन रोटी बना लेती हूँ, ठीक है ना। और मैंने चाय भी बना ली। प्यास प्यास तो पड़े थे ना। हाँ बस ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे वार, तो कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजल और करम से खैर खैरियत से होंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक है। जो मेरे भाई बहनें दुख में हैं, तकलीफ़ में हैं, या किसी परेशानी में, अल्लाह ताला उनकी परेशानियों को दूर करे। तो इस नेक दुआ के साथ आज की वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले तमाम भाई और बहनों से मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट होती है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना है, और जो है ना वीडियो को पूरा वॉच करना, लाइक शेयर भी ज़रूर करना है जी। तो प्यारे वार्स, आज है ना माशाल्लाह से शाम का टाइम है, तो असल में एक तो बारिश की वजह से बहुत ही परेशान है, एक दिन छोड़ के दूसरे दिन जो है ना बारिश आ जाती है, लकड़ियाँ घास वगैरह जो है ना गीला हो जाता है। ये देखें अभी अभी भी जो है ना लकड़ियाँ गीली हैं, तो आग जलाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। काम जो है ना आज कल बहुत मुश्किल हो रहे हैं। अभी बार रुमान और अजान जो है ना किसी काम पर आज गए हुए हैं, वो तो आज मेरे साथ में है नहीं, तो मैंने सोचा कि ये शाम की जो है ना चाय बना रही थी मैं, तो मैंने सोचा कि तमाम भाई और बहनों से ही शेयर कर लेती हूँ, क्योंकि वर्ष मेरा जो है ना कमरे का काम चल रहा है ना, तो इसी वजह से जो है ना मुझे वीडियो बनाने का टाइम भी नहीं मिलता। तो आज जो है ना मैं चाय बना रही थी, मैंने सोचा कि आज जो है ना विवर से बात कर लेती हूँ जी। तो प्यारे वर्ष, आज जो है ना मेरे विवर देख रहे होंगे कि आज जो है ना ये नई जगह पर क्यों बैठी है। असल में विवर्स वजह ये है कि आंधी और बारिश की वजह से जहाँ मेरा जो है ना चूल्हा था सालन रोटी बनाने वाला, जहाँ मैं वीडियो बनाती थी, तो वहाँ साथ में जो है ना जो दीवार थी ना बारिश और आंधी की वजह से जो है ना गिर गई है। तो इसलिए जो है ना मैंने ये नीम के दरख्त के नीचे ही चूल्हा बना लिया है। चलो मैंने सोचा कि ऊपर से जो है ना कुछ छाँ भी बन जाएगी, तो किचन तो मेरा है नहीं, तो इसी वजह से जो है ना इसके नीचे ही मैंने चूल्हा बना दिया है। ये देखें बस चलते हैं, जो मेरी दीवार गिरी है ना वो भी मैं आपको दिखाती हूँ, और फिर जो है ना मैं चाय फिर ही बना लूँगी। ये देखें बारिश की वजह से हालात देखें, यहाँ का माहौल ऐसा है ना शोरी इलाका है, जितनी भी बारिश है ना अंदर जमा हो जाती है, बाहर पानी जाने का नाम ही नहीं लेता। तो ये देखें आपको अपनी दीवार भी दिखाती हूँ, ये देखने के बाद आज जो है ना हमने कुछ ईटें जो है ना इकट्ठी कर ली हैं, यहाँ से गिरी है ना दीवार, तो नई माशाल्लाह से बन तो रही है, बन जाएगी इंशाल्लाह। ये देखें ईटें जो है ना हमने इकट्ठी करके रख दी हैं, चलो इंशाल्लाह बन जाएगी। ये आंधी और बारिश की वजह से ही गिरी है, ये देखें क्या करें, बस जगह भी हमारी ऐसी है कि बस कभी जो है ना कमरे की परेशानी बन जाती है, कभी दीवार की बन जाती है, बस ये इंसान की जो परेशानी है ना ज़िंदगी के साथ ही रहती है। विवर्स चलो चलते हैं, विवर्स मैं चाय भी बनाती हूँ, तो आपसे जो है ना बातचीत भी चलती रहेगी। अभी जो है ना सारा दिन की थकावट है ना, तो इसी वजह से जो है ना मैं चाय बना रही थी। नुमान और रियान तो किसी काम पर गए हैं, आज मेरे साथ में आए भी नहीं, इंशाल्लाह कल जो है ना वीडियो में आएंगी। ये
बकरी भी ये देखें वर्ष, जो मेरे भाई के साथ मेरी सांझी है ना, ये भी घास खा रही है। ये देखिए मैंने अभी अभी इसको डाला है घास, ये बेचारी भी अपना पेट पा रही है। चाय भी आसान नहीं बनेगी क्योंकि आग जलाना इतना मुश्किल है, लकड़ियाँ जो है ना बहुत ही गीली हो गई हैं क्योंकि ये दीवारें और काम की वजह से जो है ना, टीले पर जाते तो है हम लकड़ियाँ ले आते हैं कुछ, तो टाइम ही नहीं मिल रहा कि जाकर लकड़ियाँ ले आए। असल में ये भी महफूज तो नहीं है ना, ऊपर से नीम का दरख्त है, चलो छाए तो है, लेकिन जो है ना जब बारिश आती है तो फिर जो है ना यहाँ पर भी चूल्हा जो है ना गीला हो जाता है, पानी पानी हो जाता है यहाँ पर सारी जगह पर। ये मेरी गाय की जगह व्यूअर देख रहे हैं, ये भी बहुत ख़राब हो चुकी है ना बारिश की वजह से। वैसे माशाल्लाह से सर्दियाँ तो बहुत अच्छी गुजरी हैं क्योंकि सर्दियों में जो है ना बारिश आई नहीं, तो हमारा किचन नहीं था तो हमें भी ज़्यादा इतना मुश्किल नहीं हुई। तो अब जो है ना बारिशों का फिर सीज़न शुरू हो चुका है, तो बस एक दिन जो है ना बारिश ना आए दूसरे दिन तो ज़रूर ही आ जाती है। क्या करें, बस बारिश इसी वजह से ही हमने चैनल बनाया था ताकि हमारे जो है ना हालात कुछ अच्छे हो जाएं। लेकिन हमारी बदनसीबी देखें, हमारी एक वीडियो भी वायरल नहीं हुई, क्या करें। आप तमाम भाई और बहनों से मेरी रिक्वेस्ट होती है कि आप जो है ना मेरी वीडियो को देखा करें, मेरा साथ दिया करें ताकि मेरे हालात भी अच्छे हो जाए। बस तुम अपना घास खाओ, मेरी लकड़ियाँ ख़राब क्यों कर रही हो, अपना घास खाओ ना, ये लो। असल में मैं चाय बना रही थी और जो है ना ये हाथ वाली रेड़ी जो है ना मैंने साथ में जो है ना इसको खड़ा देती हूँ चाय पी कर, इंशाल्लाह फिर जो है ना मैं ईटे साफ करके अपने घर में जमा करूँगी। तो चलो आज कुछ काम कर लूँगी ना, तो ये साथ वालों की है मैं ले आई हूँ। चलो मैंने सोचा कि हाथों से जो है ना ईटे नहीं उठाई जाती ना, कितनी भारी होती है ना वो जो होता है ना बट उसमें भी नहीं उठाई जाती, बहुत जो है ना परेशानी होती है। तो इसलिए जो है ना मैंने साथ में जो है ना गई थी मेरी जो है ना कज़न के बेटे की थी, तो मैं ले आई हूँ। उन्होंने कहा कि चलो ईटे कुछ ना जो है ना घर के काम कर लो, तो फिर जो है ना हमें दे देना। ज़्यादातर तो इसमें अजान जो है ना ईटे बस इकट्ठी करके घर में जमा करता रहता है। असल में व्यूअर्स हमारे गांव का जो है ना माहौल ऐसा ही होता है, कोई चीज़ जैसे कि लकड़ियाँ घास वगैरह ये चीज़ें तो हमें बाहर से भी, क्योंकि मोल ख़रीदने की तो हमारी फुर्सत नहीं होती ना, जैसे कि लकड़ियाँ होती हैं घास होता है
तो हम जो है ना बाहर से जो है ना एक दो घंटे तो बाहर जाना ही पड़ता है लकड़ियाँ लेने और घास बनाने के लिए। तो घर के काम भी इतने ज्यादा होते हैं तो फिर टाइम निकाल कर निकाल हनुमान जान बैठ जाओ। हमने ये जी तो प्यारे बार ये काम काज तो हमारे होते रहेंगे। हनुमान और अजान के लिए मैंने चाय भी बना ली है। अब जो है इनका सालन रोटी भी मैं इंशाल्लाह बनाऊंगी क्योंकि बारिश की मौसम है ना, जल्दी करके बना लूंगी। तो व्यूअर उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो हमारी अच्छी लगी होगी और कल मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह Thank you.